बांदा जिलाधिकारी श्री हीरालाल जी ने तहसील में प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से और स्वस्थ जीवन पद्धति अपनाने के लिए मिट्टी से बने बर्तनों को दैनिक उपयोग में प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण सभी को करना चाहिए। यही नहीं, दीवार की तारीफ करते हुए कहा कि सभी तहसीलों में इसको बढ़ावा दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि घरों में बेकार पड़े कपड़ों बर्तनों को जिनका हम उपयोग नहीं करते अगर नेकी की दीवार के माध्यम से गरीबों को दे दे तो यह बहुत ही पुण्य का कार्य है, साथ ही आपको इससे आत्मिक खुशी भी मिलेगी। प्रयोग करिए, पहली बात तो मिट्टी के बर्तन में खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने स्वयं अपने रेजिडेंस के सारे बर्तन मिट्टी के कर दिए और मैं स्वयं उसका खाना खाता हूँ। मिट्टी के बर्तन में बना खाना और मिट्टी के बर्तन बड़ा अच्छा लगता है, स्वादिष्ट बहुत होता है। दूसरी बात यह है, जो हमारा उद्देश्य प्लास्टिक को हटाने का, हम उसे एक अल्टरनेटिव के रूप में दे रहे हैं जिससे प्लास्टिक हट जाए। तीसरी बात क्या है, ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, ये ग्रीन इकोनॉमी का एक पार्ट है, तो इसमें सब फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग इसके बारे में समझा रहे हैं। ये अभी हम लोगों ने झांसी से बुलवाया है क्योंकि यहाँ स्थानीय स्तर के ये सामान नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश ये करेंगे कि स्थानीय स्तर पर इसको पैदा किया जाए या इसको बनाया जाए। जैसे यहाँ कुल्हड़ बनता है, पूरे जनपद में कुल्हड़ में चाय का प्रचलन शुरू हो गया है और कुल्हड़ की खपत भी हो रही है। अभी हम लोग सारे जो इस पेशे में लगे हुए लोग हैं उनकी हम लोग बैठक करेंगे और तहसील स्तर पर बैठक कराएंगे।